हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आईक्यू एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए मैं बीएसटीसी के बारे में पूरा सिलेबस बताने वाला हूं। साथ ही में आप अपन पढ़ने वाले हैं आज श्रृंखला निर्माण परीक्षण यानी कि सीरीज पढ़ने वाले हैं, तो आपको मैं बीएसटीसी की पूरी तैयारी करवाऊंगा। अब ये अपना नारा है, अब बीएसटीसी 2019 दूर नहीं। तो दोस्तों लग जाइए आप प्रिपरेशन करने में हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आपकी हम पूरी तैयारी करवाने वाले हैं। आपका हर चैप्टर मतलब छोटे से लगा करके बड़ी चीज़ तक आपन को बताने वाले हैं, तो आपको पूरा इसमें बने रहना है। आपका हम पूरा सिलेबस तैयार करवाएंगे, राजस्थान जीके, रीजनिंग, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं हिंदी इंग्लिश वगैरह सब आपकी मैं पूरी तैयारी करवाने वाला हूँ। यदि आपको और टीचर की ज़रूरत भी पड़ेगी तो वो भी मैं आपके लिए लगा दूंगा। तो आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को बता दो कि यहाँ पर आज से बीएसटीसी की ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी गई है, तो उनको सबसे पता चल जाएगा, तो हम आपको पूरी बीएसटीसी की तैयारी करवाएंगे। आज ये अभी पार्ट अपलोड हो रहा है, पहला पार्ट मानसिक योग्यता परीक्षण यानी कि रीजनिंग का पार्ट अपलोड हो रहा है और ये पार्ट अपलोड होगा डेली 7 बजे। और जो आपने देखा होगा एक पार्ट और अपलोड होगा राजस्थान जीके का, वो लगभग 9 बजे होगा, 9 बजे या 8:30 बजे के लगभग बीच में अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप डेली इनको चेक कर लिया करो, आपके लिए मैं पूरी तैयारी करवाऊंगा। और हिंदी इंग्लिश का भी मैं जल्दी शुरू करने वाला हूँ 2-3 दिन के अंदर, तो आप उसको भी चेक कर सकते हो, पढ़ सकते हो। आपको मैं पूरा सिलेबस पहले डिस्क्राइब कर देता हूँ, तो आप सिलेबस जान लीजिए पहले, उसके बाद अपन श्रृंखला निर्माण परीक्षण टॉपिक चॉइस करेंगे, उसको अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आप टॉपिक बता दीजिए, ये 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले जान लेते हैं सिलेबस के बारे में, क्या क्या सिलेबस आता है आपके। तो ये आप देख पा रहे होंगे सिलेबस, तो पहला टॉपिक है सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब क्या होता है, एनालॉजी इंग्लिश में बोलते हैं इसको, एनालॉजी। सादृश्यता का मतलब होता है मतलब समान, मतलब जैसे उसमें समान आया। जैसे मान लो आपसे पूछ लिया भारत की राजधानी जैसे न्यू दिल्ली, तो फिर आपसे पूछा नेपाल की क्या होगी, तो ऐसे मतलब इसका मतलब क्या हो गया, सादृश्यता। ऐसा मतलब उसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, काठमांडू। तो आपसे उसमें अलग अलग ऑप्शन पूछ लिया जाएगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा, सादृश्यता, इसी को बोला जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक क्या होता है आपके, मैं आपको पूरी तैयारी करवाऊँगा, टेंशन ना लेना बिल्कुल ही। अगला टॉपिक है सेकंड, विजाति या बेमेल को अलग अलग करना यानी कि ओड वन आउट। तो इसमें मान लो बेजातीय और जातीय मतलब अलग अलग को करना है इसमें सबको। जैसे मान लो आपको दे दिया टमाटर प्याज बैंगन और उसमें एक मिठाई दे दी, तो इसमें से पूछना है आपको इसमें से ओड कौन सा है मतलब बेमेल कौन सा है, तो आपको पता चल जाएगा सब तो सब्जियां हैं तीनों तो, और मिठाई वो क्या है, खाने की अलग से चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, बेमेल मतलब विजातीय। तो ऐसे इसमें पढ़ेंगे अपन, तो आपको ये पूरी तैयारी मिल जाएगी। रक्त संबंध आप सभी जानते हो, रक्त संबंध परीक्षण का मतलब क्या होता है, ब्लड रिलेशन, तो यानी कि ब्लड रिलेशन क्या होगा, जैसे मान लो आपका मम्मी का मम्मी क्या लगी, तो वो नानी लगेगी, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, वो आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ। तो पहले तो अपन क्या है सिलेबस पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्या है ये टॉपिक अब आज पढ़ेंगे, श्रृंखला निर्माण परीक्षण सीरीज। इसमें क्या होता है, मान लो एक सीरीज दे दी, ऐसे उसमें इंग्लिश वाली भी दे देते हैं, अल्फाबेट की भी और नंबर सीरीज भी, तो इसमें 3 तरह की सीरीज आती है, वो आप मैं पूरी बताने वाला हूँ आज आपको, ठीक। अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से संबंधित, मान लो अंग्रेजी वर्णमाला के ABCD ऐसे क्रम वाले दे दिया, उनके बीच में गैप कितना है, ऐसे करके आपसे इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब एक किस नंबर में आता है, तो उसका ABCD ऐसे कुछ दे दिया, तो वो आपको इसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट से संबंधित आती है इसमें क्वेश्चन। अगला है आपका टॉपिक 6 नंबर का शब्दों का वर्णमाला, शब्दों का वर्णमाला क्रम, तो इसमें शब्दों का वर्णमाला क्रम, जैसे मान लो स्वर व्यंजन इनमें अलग अलग दिया जाएंगे। वेन आरेख, मान लो 2 आरेख दे दिए, इसमें 3 आकृति है, कोई में गोला है, एक कोई में ऐसे मतलब लाइनों से बना हुआ है, कोई वर्त है, तो इसमें पूछेंगे आपसे कौन सा भिन्न है, तो मतलब ये भिन्न हो जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी मैं बता दूंगा। व्यवस्था क्रम से संबंधित, जैसे मान लो कोई एक टेबल लगा रखी है, उसमें सबने सामने मुंह कर रखा है, 6 दोस्त हैं बातें कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दाएं में बाएं में कौन बैठा है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। अगला है तार्किक क्षमता, इसमें लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। गण गणाप और पासा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। घड़ी से संबंधित परीक्षण, मतलब घड़ी को दे दिया आज 9 बजे हैं, तो इसको मान लो इसका
तो इस टाइम में अगले माह में इसका जन्मदिन कब आएगा, तो वो किस दिन आएगा, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको मैं बता दूंगा। कैलेंडर से संबंधित, घड़ी से किस कैलेंडर से आएगा ये, और घड़ी से संबंधित क्वेश्चन अलग से आएंगे दोस्तों, कैलेंडर से संबंधित जैसे जन्मदिन वाले वो आ जाएंगे। अगला है मैट्रिक्स में अज्ञात संख्या ज्ञात करना, मैट्रिक्स के अंदर क्या करना है, अज्ञात संख्या को ज्ञात करना है, तो ये भी अपन पढ़ेंगे। आकृतियों की गणना करना, मान लो एक त्रिभुज दे दिया, ऐसे कुछ भी एम आई दे दिया, इसके अंदर पूछा है आपसे कितने त्रिभुज है, तो इसमें आपको गिन करके बताना है त्रिभुज कितने हैं, तो वह सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिशा ज्ञान परीक्षण, मान लो आपसे दिशा ज्ञान परीक्षण में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राम अपने घर से निकला और वो दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर ऐसे गया, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो आपके लिए मैं डेली 30 मिनट या 20 मिनट प्लस की वीडियो बनाऊंगा, और आप कमेंट करके बता सकते हो, इतनी लंबी वीडियो आपको अच्छी लगे तो बता देना, और मतलब ख़राब बोर होने लगे तो आप उसको भी कमेंट करके हमें बता सकते हो कि सर हमें वीडियो लॉन्ग चाहिए या शॉर्ट चाहिए, आप बोलोगे तो मैं 1 घंटे की भी वीडियो आपको डेली बना करके क्या कर दूँगा, प्रोवाइड करवा दूँगा। तो आप ऐसे कर सकते हो, कमेंट लिख करके आपको जो भी कुछ लगे इसमें इम्प्रूव करने का वो हम कर सकते हैं, बस आपको हमारे साथ बने रहना है। तो आपके लिए हम डेली पूरी क्लास ऐसे ही चलाने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे अब BSTC दूर नहीं है, तो यही नारा है अपना। तो आप सब क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों जो भी है उन सभी के साथ शेयर कर दो, ताकि उन सभी को पता चल सके कि स्टडी IQ अकेडमी के अंदर BSTC की ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट कर दी गई है 14 फरवरी से। अब देख लीजिए दोस्तों, आपका जल्दी फॉरम भी स्टार्ट होने वाला है, तो आप क्या करो जल्दी से तैयारी में लग जाइए, और आपका BSTC में सिलेक्शन हो करके रहेगा। आपको पूरे में से पूरे नंबर चाहिए तो हमारे साथ बने रहो, आपको रीजनिंग में हम 50 में से 50 नंबर दिलाने वाले हैं, तो ये आपका बिल्कुल टारगेट होना चाहिए, 50 में से 50, एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए यदि आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो तो। हम पूरी आपकी तैयारी करवाएंगे, मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे हम, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी आपको लगवाएंगे हम। तो चलते हैं, जान लेते हैं आप आज के क्वेश्चन क्या है। तो ये आप देख पा रहे होंगे पार्ट फर्स्ट, डे भी फर्स्ट है आज दोस्तों। टॉपिक क्या लिया है अपन ने, श्रृंखला निर्माण परीक्षण, यानी कि सीरीज टॉपिक अपन ने चॉइस किया है, श्रृंखला निर्माण परीक्षण सीरीज मतलब टॉपिक। इसमें 3 प्रकार की सीरीज होती है, तो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो पहले होती है संख्या या अंक श्रृंखला नंबर सीरीज, उसके बाद होती है अक्षर श्रृंखला अल्फाबेट सीरीज, अगला होता है संख्या अक्षर मिश्रित श्रृंखला नंबर लेटर मिक्स सीरीज, मतलब जिनमें नंबर सीरीज और अल्फाबेट दोनों आ जाए उसको क्या बोलेंगे, संख्या अक्षर मिश्रण श्रृंखला। तो ये 3 टाइप की होती है, तीनों टाइप के अपन पढ़ने वाले आज, केवल अपन पढ़ेंगे संख्या अंक श्रृंखला नंबर सीरीज अपन आज पढ़ेंगे आदि। इसके बाद कल अपन इसका सेकेंड पार्ट आएंगे, और परसों क्या करेंगे अपन 3 पार्ट एक वीडियो के मतलब एक चैप्टर के लेके आएंगे। तो 3rd पार्ट में क्या करेंगे अपन, आपको टेस्ट देंगे, तो टेस्ट में आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन लगाना होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप सभी को क्या करेगा उसका पता चल जाएगा। तो आज जान लेते हैं अपन संख्या नंबर सीरीज के बारे में। तो ये आप देख पा रहे हो नंबर सीरीज, तो मैं बता देता हूँ पहले नंबर सीरीज क्या होती है। नंबर सीरीज वो होती है अंक श्रेणियों से तात्पर्य वे श्रेणियाँ जिनमें विभिन्न अंकों को एक निर्धारित क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, नंबर सीरीज बोलते हैं। नंबर सीरीज 2-3-4 प्रकार की होती है अलग अलग, जिनमें समान अंतर हो, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 ऐसे दे रखी है, तो इनमें क्या गया एक एक का अंतर है, तो क्या हो जाएगी समान अंतर वाली श्रेणियाँ, जो अलग अलग अंतर हो वो क्या होगी असमान अंतर वाली, और जिनमें मान लो गुणा कर रखा हो वो गुणन श्रृंखला, और जिसमें भाग दे रखा हो वो भाग श्रृंखला, तो ऐसे मतलब अलग अलग उनका नाम दे रखा है। ठीक है, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको मैं बताऊँगा वही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ये आपसे मैं वादा करता हूँ दोस्तों। बस आपको क्वेश्चन तो मतलब नंबर तो चेंज हो सकते हैं, बस मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा ना उससे सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे बिल्कुल मैं 100% श्योर के साथ बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अपन आज से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उस तो आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन करेंगे ना अपन तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आप भी साथ साथ में करते रहे, तो आज का पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट करना है, मतलब इसकी जो एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है आपको। तो ये है 3, 8, 13, 18, 23 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इनमें बताना है इसमें क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। तो आप देख पा रहे होंगे 3, 8, 13,
18 और 23, ये देख पा रहे हो, तीन में अंतर ढूंढिए पहले। तो आपको ज़्यादा, मान लो ज़्यादा इनके बीच में गैप दिख रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई सोचना होगा, भाग देखना होगा, इसमें गुणा हो रहा है, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, ऐसी चीज़ें इसमें क्या करना है आपको गौर करके देखनी है। तो अपन को लग रहा है इसमें मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है, यानी कि या तो प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है इसमें थोड़ा थोड़ा, तो आपको वह देख लेना है। तो 3 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 3 में 8 में से 3 गए तो कितने बच गए, 5। तो अपन इसमें देखते हैं, फिर 13 में और 8 में डिफरेंस कितने, 13 में से 8 गए तो 5 बच गए, और फिर 18 में से 13 गए तो 5 बच गए, फिर 23 में से 18 गए तो 5 बच गए। यानी कि अब जो आगे आएगा 23 और इसके आगे जो भी पद आएगा, तो 23 में क्या करते हैं, 5 जोड़ देते हैं अपन, तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इससे करना है आपको बिल्कुल, और इसकी पीडीएफ लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ में रोज डेली प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते, मतलब जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, स्टडी आईक्यू अकेडमी के नाम से टेलीग्राम में मिल जाएगी आप। तो ये आपको क्वेश्चन आ गया होगा, इसका 28 राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया करो, अगली वीडियो में आपको मैं दोबारा और समझा दूंगा, ठीक है। चलते अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 15, 25, 35 और 45, और क्वेश्चन मार के इसकी स्थान पर क्या आएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इतना ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन आपके BSTC एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि वहाँ आपको देखा होगा मतलब लेवल बहुत कम रहता है, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा डेली हर संडे के दिन, तो आप देख पा रहे होंगे 15, 25, 35, 45 और आगे दे रखा है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इनमें अंतर कितना है वो देखना है, या फिर भाग देना है, इसमें क्या करना है, आप मतलब प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ साथ डेली, और घर पे भी आप प्रैक्टिस किया करो, तो आपको पूरा मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जैसे 15 और 25 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का, 25 और 35 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का, 35 और 45 के बीच में डिफरेंस कितना है, 10 का, मतलब यानी कि 10-10 ऐड हो रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे 45 और इसके बीच में जो संख्या आगे आएगी उसमें भी 10 ऐड होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, तो 45 प्लस 10 यानी कि क्या हो गया आपका राइट आंसर 55। तो 55 आपका राइट आंसर, यानी 55 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, बी, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन है 3, 8, 12, 20, 32 क्वेश्चन मार्क दे रखा है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको बीच में भी क्वेश्चन मार्क आता है, फिर 68 इसमें दे रखा है। तो आपका पूछा गया है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, तो आपको क्या करना है, इसमें डिफरेंस देखना है, मल्टीप्लाई देखना है, क्या हो रहा है, तो आपको ऐसे देख करके बताना है कि क्या करना है आपको। तो इसमें क्या करना होगा, आपको पता चल रहा है इसमें, इसको पहले संख्या में लिख के बताता हूँ, 8, 12, 20, 32 यहाँ क्वेश्चन मार्क हैं, इसके बाद 68 है इधर, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, तो 8 और 12 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो ये है 4 का, 8 और 4 कितने हो गए, 12, 12 और 20 के बीच में कितने का, 8 का। तो आप देख पा रहे होंगे 4 4 इसमें बढ़ता जा रहा है, 8 और 12 के बीच में 4 है, फिर उसका डबल हो गया, ठीक है, डबल नहीं, उसमें 4 4 ऐड कर रहे हैं, प्लस 4 कर रहे हैं सभी में। तो आप देख पा रहे होंगे 8 और 12 में 4 के अंतर है, फिर 12 और 20 में 4 का अंतर, 20 और 32 में कितने का है, 12 का। तो आप देख पा रहे होंगे 4 4 बढ़ रहे हैं, यानी कि अब जो क्वेश्चन मार्क आएगा उसमें कितने का अंतर हो जाएगा, 16 का। तो आप जोड़ सकते हो 32 और 16 कितने हो गए, 32 और 16 कितने हो गए, 6 और 2 8 और 3 और 1 4, तो यानी कि 48। तो 48 यानी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का भी चेक कर सकते हो आप, ये 68 आ रहे हैं तो 68 को भी चेक कर सकते हो, 48 और 16 आया यहाँ, तो आगे क्या आएगा, 20, तो 20 48 और 20 कितने हो गए, 68। तो यानी कि आपका राइट आंसर सीरीज चल रही है, तो आपका लास्ट में देख पा रहे होंगे आप 68 आ रहा है ये, ठीक है। तो आपको ऐसे चेक करना है और आपकी सीरीज बिल्कुल बनती चली जाएगी, आप
एक्सपीरियंस करोगे। तो डेली मतलब घर पे जाके 4-5 क्वेश्चन और कर लिया करो, और मैं आपको इसकी पीडीएफ दूंगा, वहां से भी आप एक बार इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है चौथा, 10, 12, 16, 24 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो यहाँ बताना है आपको क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह। तो बिल्कुल सिंपल इजी इजी क्वेश्चन है, आपको मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ लेवल से। तो आप सोचना नहीं भाई सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, तो नहीं दोस्तों मैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवाऊँगा। तो आपके लिए इसमें करते हैं अपन क्या करेंगे, यहाँ दे रखा है 10, 12, 16, 24 और क्या दे रखा है क्वेश्चन मार्क दे रखा है। तो आपको यहाँ क्या करना है, 10 और 2 के बीच में अलग, मतलब इसमें कुछ भी, अब इसमें क्या हो रहा है 2 का हो रहा है या 2 आ रहा है, फिर या 4, फिर या 24, मतलब डिफरेंस बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, 10 और मतलब इसके बीच में क्या होगा 2, तो आपको अंदाज़ा लगाना होगा। तो 10 और 12 के बीच में कितने का अंतर है 2 का, ठीक है, और 16 और इसके बीच में यहाँ तो 2 का है, इसके बीच में कितने का है 4 का, फिर यहाँ कितने का है इसको बताते हैं, 16 और इसके बीच में कितने का है 8 का, अब यहाँ कितने का होगा वो आपको देखना होगा। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे 2, फिर 4, ये तो दुगना हो रहा है, फिर इसमें सीरीज नहीं मिल पा रही है अपन को, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें सीरीज के लिए, आपको बिल्कुल अप्लाई सोचना होगा एक बार बिल्कुल। तो आपको इसमें कर क्या करना है, तो आप इसमें देख पा रहे होंगे 2 इंटू शुरुआत के में क्या करते हैं, जो भी आगे की संख्या है मान लो 2, तो उसमें क्या करते हैं 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया 4, ठीक। फिर 4 में किसका मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, तो कितना आता है 8, फिर 8 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 16, तो 16 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 16 और 24, तो 16 और 24 कितना हो गया, तो आप देख पा रहे होंगे 0, तो ये 40, तो आपका राइट आंसर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका डी आपका राइट आंसर, यानी कि 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको एक विधि और से कर सकते हो, जैसे यहाँ पर डिफरेंस आया 2 का, फिर यहाँ 4 का, यहाँ 8 का, तो मैं दो दो तरीके से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ क्या कर सकते हो, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का पावर 1, तो 2 ही आ गया, ठीक। आगे यहाँ क्या है 2 का स्क्वायर यानी कि 4, फिर आगे क्या है 2 का क्यूब यानी कि 8, ठीक है, 8 जोड़ दिया इसमें, इसमें 2 जोड़ दिया, इसमें 4 जोड़ दिया, इसमें 8 जोड़ दिया, फिर आगे क्या कर देंगे 2 की पावर 4, तो यानी कि 16, तो आप 16 जोड़ दोगे 24 में, तब भी आपका राइट आंसर आएगा 40। तो आप कैसे भी करो, मैंने पहली विधि बताई वैसे करो या ऐसे करो, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1, 9, 36, 100 और क्वेश्चन मार्क, यहाँ बताना है आपको आपका राइट आंसर क्या होगा। तो इसको करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या करना होगा आपको, इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो आपको इसमें स्क्वायर वगैरह भाग गुणा ऐसे करना होगा। तो अपन क्या करते हैं इसमें, जैसे एक देखो 9 माइनस 1, तो इसमें क्या हो जाएगा 8, तो 8 किसका स्क्वायर होता है 2 का क्यूब होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं 36 माइनस 9, तो कितना आ गया 27, 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, मतलब क्यूब क्यूब बढ़ता जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे इसे क्यूब क्यूब बढ़ता जा रहा है, तो आप इसमें क्या करोगे 100 माइनस 36, तो इसमें कितना आ जाएगा 64, तो ये भी आप देख पा रहे होंगे 4 का क्यूब। तो अब इसमें क्या करेंगे, 100 में 5 का क्यूब जोड़ देंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 100 प्लस 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, 125 और 100 कितने हो गए 225, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 225, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में क्या है, बच्चे घबरा जाते हैं और उसको करते नहीं है, हाथ भी नहीं लगाते। तो आप जो हमारे चैनल से पढ़ रहे हो वो एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ें, बिल्कुल आपको है कि क्वेश्चन मैं आपको पूरा करवाने वाला हूँ। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहो, आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखते चलना है, ये हमारा वादा है आपको। अब BST से कोई दूर नहीं कर सकता, ये मेरी गारंटी है बिल्कुल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6, 12, 20, 30 मीन्स क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इसको ध्यान से करना है। तो इसमें क्या करना होगा,
इसमें कुछ नहीं करना आपको, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये है, इसमें मान लो डिफरेंस ज़्यादा दिख रहा है आपको, मतलब इसमें जोड़ने से कुछ नहीं हो रहा, जैसे आप जोड़ के एक बार जोड़ के दे लीजिए, यहाँ 6 का अंतर आ रहा है, यहाँ कितने का आ रहा है, यहाँ 8 का आ रहा है, यहाँ 10 का आ रहा है। तो 6, 10 और ऐसे करोगे तो आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, दो दो का डिफरेंस देख रहे हो, 6 फिर 8 फिर 10 फिर यहाँ की क्या आएगा, यानी कि तो ये आपको देखना है ऐसे, मतलब हो रहा है ये, आप इसमें देखोगे तो दो का इसमें, मतलब इसमें 6 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 8 का, इसमें 10 का, आगे आएगा जिसमें कितने का आएगा, 12 का डिफरेंस। तो 30 और 12 कितना हो गए, 42। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 42। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको एक तरीका और कर सकते हो, मैं अलग अलग तरीका आपको बताता हूँ, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। जैसे आप इसको क्या करोगे, तो बहुत अच्छा है, मतलब 6 कैसे आया, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 6 आने के लिए 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो कितना आ जाएगा, 6। जैसे फिर इसको क्या करोगे, 12 लाने के लिए क्या करोगे, 12 के लिए भी बिल्कुल इजी है, 4 का स्क्वायर करो माइनस 4 कर दो, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर आप करोगे मतलब 20 लाने के लिए, तो 5 का स्क्वायर माइनस 5, तो ऐसे भी क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आगे क्या करोगे, 6 का स्क्वायर माइनस 6, तो 30 आ जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर माइनस 7 क्या करोगे, तो क्या आ जाएगा, 42। तो वैसे भी आपका राइट आंसर आ जाएगा, और मैंने बताया दो दो का अंतर करते जा रहे हैं, डिफरेंस आ रहा है, तो वैसे भी आप कर सकते हो, समान अंतर आ रहा है, तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हो। मैं आपके लिए बता सकता हूँ ओनली, आप जो भी कमेंट में करके बता सकते हो, मैं आपके लिए इजी से इजी विधि बताने की कोशिश करूँगा। चलते अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो इसको भी जान लेते हैं। अगला है 4, 6, 9, 14, 21 और क्वेश्चन मार्क दे रखा है, इसके स्थान पर बताना है क्या आएगा आपको फाइंड आउट करके। तो जानते हैं इसके बारे में, क्वेश्चन के बारे में, तो 7वां क्वेश्चन के, तो इसको अच्छे से करते हैं अपन तरीके से। तो इसमें क्या है, आप देख पा रहे होंगे 4 और 6, इसमें कितने का डिफरेंस है, 2 का। फिर 6 और 9, आप सबसे पहले क्या चेक करिए, डिफरेंस चेक कर दिए, प्लस माइनस चेक करिए, मैं आपको यही सलाह देता हूँ। फिर कीजिए गुणा, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, ऐसे मतलब आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप चेक करते जाना है। तो आपको मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 4 इसके बीच में कितना है, 6 और 3, इसके बीच में 3 का अंतर है। फिर इसके बाद बीच में देखोगे तो आप कितने का अंतर आ जाएगा, 5 का। फिर 14 और 21 के बीच में 7 का। तो आगे क्या आएगा, आप देख पा रहे हो, इनमें गौर कीजिए, एक बार नज़र घुमाइए इसके ऊपर, आपको नज़र क्या आ रहा है, इसमें आप देख पा रहे होंगे इसमें अभाज्य संख्या नज़र आ रही है आपको, 2, 3, 5, 7, मतलब बढ़ती जा रही है अभाज्य संख्याएँ, लगातार अभाज्य संख्याएँ इसमें बढ़ती जा रही है। तो आपको आगे क्या लेकर के आना है, 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है आपको सोचना होगा, तो कौन सी होती है, 11। तो क्या करना है आपको, 21 में जल्दी से आपको 11 जोड़ देना है। तो आपको 21 में 11 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो आपको देख पा रहे होंगे 21 प्लस 11 यानी कि 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 32 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आज ये संख्या इसमें बढ़ती जा रही है, जैसे 2, 4, 6, 8, तो 2, 3, अब आज संख्या क्या होती है, 2, 3, 5, 7, 11, ऐसे मतलब क्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है, तो वो बढ़ती जा रही है। आपको एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, यहाँ अब ये क्वेश्चन अभाज्य से आया गया, तो मैं आपको बताता हूँ, अभाज्य संख्या में सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है, ये पूछा जाए तो वो होती है 2, और केवल एक ही संख्या ऐसी, मतलब आज पूछ लिया जाता है कौन सी संख्या सम संख्या होती है, तो वो केवल 2 ही संख्या, मतलब 2 नंबर ही, जो 2 बोलते हैं, वही आपका एक अभाज्य संख्या होती है, सम अभाज्य संख्या, और तो क्या होती है, सब विषम संख्याएं होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो हम डेली बना करके लाते रहेंगे, तो आपको हमारे चैनल के साथ बने रहना है। आपका हम पूरा सिलेबस करवाएंगे, जो भी मैंने टॉपिक बताए हैं इसी के बाहर कोई सिलेबस आपका नहीं है, हो तो हमें ज़रूर कमेंट के बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे फ्रॉम माई साइड।